बिग बॉस ओटीटी, आपको बता दें कि फुकरा इंसान यानी कि अभिषेक के माँ बाप के ऊपर फिर से गई हैं बेबिका। जी हाँ, इसके पहले भी ये चीज़ें हो चुकी हैं जब फलकनाज और पूजा जी ये दोनों लोग गए हुए थे बिग बॉस अभिषेक के माँ बाप पे कि कैसी परवरिश है, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें यही संस्कार दिए हैं। और इस बार बेबिका गई हैं, घर में हो रहा था टास्क जिसमें कि डिसाइड करना था, स्कूल वाला टास्क हो रहा था, वहाँ पे बेबिका टीचर बन के आई हुई थी और उन्होंने शुरुआत ही की कि आपके माँ बाप ने आपको यही संस्कार दिए हैं। और वहाँ पे जिस तरीके से अभिषेक ने रिएक्ट किया, भाई हैट्स ऑफ है अभिषेक तुझे, क्योंकि ये रिएक्शन ज़रूर बनता था। अगर यहाँ पे अभिषेक तुम रिएक्ट नहीं करते तो अच्छा बिल्कुल भी नहीं लगता, लेकिन जिस तरीके से अभिषेक ने रिएक्शन दिया है बहुत अच्छा किया कि बेबिका पहली बार तो माँ बाप पे जाना मत, है ना। और माँ बाप पे जाने की किसी ने तुम्हें फ्रीडम नहीं दे रखी है कि तुम जब देखो माँ बाप पे चले जाओगे। अरे तुम मेरे से बात कर रहे हो तो मेरे से बात करो, मैं जब बात करता हूँ तो तुमसे बात करता हूँ ना कि तुम्हारे माँ बाप से बात करता हूँ। तो बिल्कुल सही और परफेक्ट आंसर दिया अभिषेक ने और जो चीखा चिल्लाया बहुत सारी बातें हुई। और मैं तो यही कहूँगी कि मुझे अभिषेक का रिएक्शन बिल्कुल सही लगा, क्योंकि बेबिका को माँ बाप पे नहीं जाना चाहिए। बेबिका हालांकि बहुत टाइम गलत होती है और यहाँ पे भी वो गलत रही। तो इस तरीके से कुछ अभिषेक ने बेबिका को दिया है जवाब और जो माँ बाप पे बेबिका गई है उसका फुल टू जवाब अभिषेक ने दिया है, जो कि बहुत ज़रूरी था। घर में जो टास्क हो रहा था टीचर वाला, वहाँ पे बेबिका को सिर्फ 4 रोज़ मिले हैं। वही मनीषा रानी की बात की जाए तो मनीषा रानी को 7 रोज़ मिले हैं। हालांकि मनीषा से भी बहुत से लोग खुश नहीं थे। अविनाश की तारीफ करनी होगी, जो स्कूल वाला टास्क था यहाँ पे अविनाश फैब्यूलस था, मज़ा आया अविनाश को देख के। मतलब ये वाला जो बच्चे वाला जो एक्टिंग अविनाश ने की है, चाहे आप उसको एक्टिंग कह लो या कुछ कह लो, लेकिन बड़ा ही धमाकेदार था, मज़ा आया अविनाश को देख करके। और अभिषेक ने जिस तरीके से बेबिका की क्लास लगाई है, क्लास लगाने तो बेबिका आई थी लेकिन अभिषेक ने बेबिका की क्लास लगा दी है कि भाई माँ बाप पे मत जाना, अगर माँ बाप पे तुम गई तो मैं भी तुम्हारे माँ बाप पे जा सकता हूँ। लेकिन अभिषेक ने बेबिका के माँ बाप को कुछ नहीं कहा। हाँ, ये ज़रूर उसने कहा कि तुम्हारे माँ बाप तो ये सोचते होंगे कि ये मेरी बेटी ही नहीं है, क्योंकि जिस तरीके की तुम्हारी हरकतें हैं। तो ये सब कुछ हो रहा है बिग बॉस के घर के अंदर। आपको पता है कि वाइल्ड कार्ड्स की भी एंट्री हो गई है और यूट्यूबर एल्विस यादव, हाँ एल्विस ही नाम है शायद, एल्विस यादव और आशिका भाटिया, ये दो लोग बिग बॉस के घर में पहुंच चुके हैं। अब बिग बॉस का जो लेवल होने वाला है वो और भी ज़्यादा धमाकेदार होने वाला है, क्योंकि फुकरा को भी एक एल्विस के आने से सपोर्ट तो मिलेगा ही। तो अब देखते हैं क्या कुछ आगे होता है। लेकिन ये जो स्कूल वाला जो टास्क हुआ है ये काफ़ी एंटरटेनिंग था और यहाँ पे दो लोग फाइनलाइज हो गए हैं, एक तो मनीषा रानी और दूसरी अविनाश। ये दो लोग कैप्टेंसी के लिए लिस्ट में आ चुके हैं दो लोग। और आपको बता दें कि ये भी रिवील हो चुका है कि कैप्टन बना कौन है। तो मनीषा रानी कैप्टन बन चुकी हैं, जो एल्विश और आशिका इन दोनों ने मिलके मनीषा को कैप्टन बनाया है। तो मनीषा रानी घर की कैप्टन बन चुकी हुई है नहीं, और बहुत सारा धमाका हो रहा है बिग बॉस के घर के अंदर और देखने में मज़ा भी आ रहा है। ये कह सकते हैं कि ये वाला सीज़न अच्छा लग रहा है, धीरे धीरे जो ग्रोथ हो रही है इसकी। बात की जाए एंटरटेनमेंट की तो अभिषेक, बेबिका और मनीषा, इन तीनों का जो एंटरटेनमेंट का डोज है वो काफ़ी नेक्स्ट लेवल होता है। और इनकी जो ट्यूनिंग है ना, अभिषेक की बेबिका से बनती नहीं है लेकिन फिर भी दोनों में खींचातानी चल रही होती है कंटिन्यूसली, और वो भी देखना काफ़ी एंटरटेनिंग होता है, अच्छा लगता है देख के। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें। और आपको क्या कुछ है कहना कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।